हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कुछ नया, कुछ सीखते हैं। आज जानेंगे हम लोग कि मार्केट में अगर रेजिस्टेंस जो है वो डब्ल्यू टी बी रहे और सपोर्ट जो स्ट्रांग रहे, तो इस तरह सिनेरियो में हम लोग क्या कर सकते हैं। आप देखिए, सर जी जो बोलता है, सर जी क्या बोलता है, यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस जो है वो डब्ल्यू टी बी है ना। तो क्या लिख रहा है, वीक टुवर्ड्स बॉटम, मतलब क्या है कि मार्केट में 17,700 में हम लोग को रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और हम लोग को दिखाई दे रहा है कि डब्ल्यू टी बी है, कहाँ तक है 17,600 में। और इधर हम लोग को दिखाई दे रहा है स्ट्रांग सपोर्ट है ना, हम लोग स्ट्रांग सपोर्ट है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये हम लोग जानना। देखिए, पहला बात है कि हम लोग को इसमें जो है हम लोग को पुट के लिए ही हरदम कॉल बाय करना चाहिए, कॉल के लिए सोचना भी नहीं है ना। यहाँ पर आप लोग दिखाई दे रहा है, वन कैन बाय फ्रॉम द कॉल साइड डाइवर्जन ऑफ दिस स्ट्राइक प्राइस एट व्हिच रेजिस्टेंस इज डब्ल्यू टी वी। इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका मतलब बोल रहा है कि अगर इस तरह सिनेरियो है मार्केट में 17,600 में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि डब्ल्यू टी बी है और नीचे में दिखाई दे रहा है कि 17,700 में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि स्ट्रांग एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये जो न्यू ई ओ आर दिखाई दे रहा है हम लोग को, न्यू एंड ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये हम लोग को दिखाई दे रहा है 17,600 में। तो क्या होगा, मार्केट आके ये बीच वाला जो हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये डाइवर्जन से ही मार्केट रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो यही है कि जो सपोर्ट स्ट्रांग रेजिस्टेंस डब्ल्यू टी बी है। तो मार्केट में चलिए हम लोग देखते हैं कि मार्केट में इस तरह, चलिए हम लोग एल टी बी कैलकुलेटर में जाते हैं, एल टी बी कैलकुलेटर। चलिए ये देखिए, यहाँ पर आप लोग स्पष्ट समझ में आएगा कि हम लोग को दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और हम लोग को दिखाई दे रहा है कि मार्केट में डब्ल्यू टी बी है वो जो है 19,000 में है और 19,100 में जो है हम लोग को रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है 18,850 में जो है सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो इस सिनेरियो में क्या होता है मार्केट में, तो इस सिनेरियो में क्या है कि मार्केट में पहले कभी भी आप लोग कभी भी एक चीज़ समझ लीजिए कि पुट के लिए ही सिर्फ सोचना है, कॉल के लिए नहीं सोचना है। जब जब मार्केट में रेजिस्टेंस तरफ आए, मार्केट रेजिस्टेंस से जब मार्केट मूव करेगा तभी जगह वो पुट खरीदना है, यहाँ पर कॉल खरीदना नहीं है, है ना। इस सिचुएशन में या ये सिनेरियो में आपको कॉल खरीदना नहीं है, सिर्फ पुट खरीदना है, वो भी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस आपको कहाँ मिलेगा, आप लोग जानते हैं, अगर एल टी पी कैलकुलेटर यूज करते हैं तो वॉल्यूम में अगर आप लोग क्लिक करते हैं एक वैल्यू निकल के आता है। वैल्यू में क्या करना है, आप लोग को वैल्यू में एक लाइन टान देना है इस तरह करके, है ना। ये वैल्यू में एक रेजिस्टेंस का लाइन टान देना है। दूसरा चीज़ क्या करना है आप लोग को, एक सपोर्ट में तो लाइन टानना है, आप लोग को सपोर्ट में भी लाइन टानना है। और सेकेंड चीज़ क्या करना है आपको, जो आप लोग को दिखाई दे रहा है कि 19,000 में जो डब्ल्यू टी टी है और 19,100 में जो रेजिस्टेंस है उसका बीच में एक डाइवर्जन है ना, ये बीच में 19,050 जो है इसका डाइवर्जन है। तो मार्केट ना ही अपना रेजिस्टेंस में जाएगा, ना ही डब्ल्यू टी टी में आएगा, टी बी में आएगा। मार्केट क्या करेगा, ये डाइवर्जन से ही घूम के जाएगी, बीच वाला बाय डाइवर्जन से घूम के जाएगा। जनरली इसी तरह मार्केट ज़्यादातर होता है। तो आप क्या करना है, बहुत देखिए, आप जब तक एल टी पी कैलकुलेटर को सब्सक्रिप्शन नहीं करते हैं तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। कहें कि आप लोग को सिर्फ समझाना है कि क्या क्या थ्योरी ये बन सकता है, कैसे करके होता है, कि आप लोग जब तक गलती ना करें। देखिए, रिस्क अगर लेना है, अगर मार्केट में, यहाँ पर आपको परसेंटेज देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम का परसेंटेज कितना बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम का परसेंटेज ये बढ़ते गया तब क्या होगा, मार्केट यहाँ से ही रिवर्सल दे देगा, मार्केट और रेजिस्टेंस में नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा। अगर ये स्ट्रांग हो जाएगा, 19,000 वाला अगर स्ट्रांग हो जाता है, तो ये 19,100 वाला जो दिखाई दे रहा है ना, ये तब पीला हो जाएगा, मतलब क्या है, उस टाइम दिखाई देगा हम लोग को डब्ल्यू टी टी। अभी हम लोग को दिखाई दे रहा है डब्ल्यू टी बी, उस टाइम हम लोग को दिखाई देगा डब्ल्यू टी टी। उस टाइम क्या करना है हम लोग को सिर्फ सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हम लोग को रजिस्टर वॉल्यूम का जो परसेंटेज हम लोग को यहाँ पर दिखाई देता है, ये यहाँ पर एक परसेंटेज दिखाई देता है, वो परसेंटेज को हम लोग को फॉलो करना है कि इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज होते गया मार्केट में परसेंटेज, तब क्या होगा, मार्केट यहाँ से ही आके रिवर्सल दे देगा, अगर ये 100% अगर स्ट्रांग हो जाता है तो, है ना। तो इस पोजीशन में आप लोग दोस्तों हरदम याद रखिए कि जब भी मार्केट में इसी तरह पोजीशन रहे तो मार्केट में रेजिस्टेंस का वेट करिए कि रेजिस्टेंस में मार्केट आए, आने के बाद ही रिवर्सल दे, तभी जाके हम लोग को ट्रेड करना है। अगर मार्केट में, सोच लीजिए कि मार्केट में क्या हुआ है शुरुआत में, जैसे कि मार्केट में ये हम रेजिस्टेंस टान दिए, एक लाइन एक हम सपोर्ट में टान दिए, सोच लीजिए कि मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट शुरुआत से नीचे आ रहा है, ऐसे करके नीचे आ रहा है ना, अपना सपोर्ट तरफ जा रहा है, सपोर्ट तरफ मतलब का ये सपोर्ट तरफ जा रहा है मार्केट। तो अगर हम लोग उस टाइम दिखाई दे रहा है कि मार्केट में डब्ल्यू टी बी दिखाई दे रहा है, तो उस टाइम क्या करें,
ये एक डायवर्जन ही ऊपर जाएगा, ये एक डायवर्जन ही ऊपर जाएगा, उससे नीचे आने का संभावना बहुत कम है। ये एक डायवर्जन मतलब क्या है कि ये एक डायवर्जन ही ऊपर जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यहाँ से मार्केट को फिर से और नीचे रिवर्सल कर देगा। अगर कब रिवर्सल करेगा, अगर ये स्ट्रांग हो, ये हम लोग को जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हम लोग को देखना पड़ेगा मार्केट का, मार्केट में हरदम कि ये वॉल्यूम का जो परसेंटेज है वो परसेंटेज, जैसे कि यहाँ पर ओआई का जैसे परसेंटेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम का भी परसेंटेज दिखाई देता है। तो हम लोग को वॉल्यूम का परसेंटेज के ऊपर हम लोग को क्या करना है, नज़र बढ़ा के रखना है कि मार्केट में वॉल्यूम का परसेंटेज अगर बढ़ रहा है और अगर ये स्ट्रांग हो जाए तो मार्केट क्या करेगा, ये सपोर्ट से और ऊपर तरफ नहीं जाएगा। ये एक डायवर्जन मतलब का एक डायवर्जन से ही आपको घुमा देगा मार्केट को, ये और यहाँ पर नहीं आएगा, ये जो है हम लोग को यहाँ पर और नहीं आएगा मार्केट, है ना। ये चीज़ का याद रखिएगा, मार्केट में समझना पड़ेगा आपको कि मार्केट में कितना तरीका, एक सिनेरियो एक है मगर हज़ार किस्म का आपको ट्रेड मिल सकता है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे के इसको सीखते हैं या मन लगा के इसको आप लोग जानते हैं तो समझ में आया। और पहले ही आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट अपना रेजिस्टेंस तरफ जा रहा है और WTT है, तब क्या करना है, आप लोग को रेजिस्टेंस तक इंतज़ार नहीं करना है। आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को एक है जो WTT है, कहाँ 19,000 में जो हम लोग को दिखाई दे रहा है, और हम लोग को दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस जो है 19,100 में दिखाई दे रहा है, मगर 19,050 से ही उस टाइम मार्केट को घुमा देगा, है ना। ये हम लोग को रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस में हम लोग को 19,500 से ही मार्केट को क्या करेगा, अगर ऊपर जाए तो यहाँ से ही मार्केट को घुमा देगा। मतलब का यहाँ पर WTB भी नहीं टच होगा, यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस भी नहीं देगा। जो बीच वाला जो स्ट्राइक प्राइस है, हम लोग को जो ये बीच वाला जो स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा है, यही स्ट्राइक प्राइस से मार्केट को घुमा देगा। और क्या का सीनरी हो सकता है, अगर मार्केट में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि मार्केट 19,100 से WTB दिखाई दे रहा है और ये इसका परसेंटेज कंटिन्यूसली बढ़ते गया और ये अपने आप पर स्ट्रांग हो गया मार्केट, मगर उस टाइम 18,850 जो हम लोग को दिखाई दे रहा है स्ट्रांगली सपोर्ट दिखाई दे रहा है, मगर इस सपोर्ट को उस टाइम तोड़ देगा, तोड़ के 18,800 तक मार्केट गिरेगा। उस टाइम हो सके तो आप एक डायवर्जन कॉल बाय कर सकते हैं, बट ये रिक्सी ट्रेड के लिए, जो रिक्स ले सकता है मार्केट में, जो ट्रेडर रिक्स ले सकता है, जिसका LTP कैलकुलेटर सब्सक्राइब किया हुआ कम से कम एक साल हो चुका है, वो आराम से जान सकता है कि मार्केट में देखिए रिक्स जब आप लेते हैं आपको मालूम रहना चाहिए कि मेरा रिक्स कितना होना चाहिए और रिक्स मुझे कितना उठाना चाहिए, मुझे लॉस कितना करना चाहिए और लॉस मेरा यहाँ पर कितना होने का चांसेस है। तो आप लोग जब तक ये एक साल यूज नहीं करते हैं, 6-7 महीना अगर आप ये लोग LTP कैलकुलेटर को यूज करते हैं तो आप लोग हर एक थ्योरी आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मार्केट में क्या क्या सीनरी बनता है। सिर्फ इसको सीखने में अकबकाइए मत दोस्तों, कहें कि इसको अकबकाने से आपका माइंड सेट कभी ठीक नहीं होगा। आपका माइंड सेट हरदम माइंड सेट आपका क्या करेगा, माइंड में आपको डराते रहेगा, कहीं किस लिए डराते रहेगा कि पहले ही आप अगर ये LTP कैलकुलेटर से लॉस कर देते हैं ना तो आपका माइंड कभी भी इसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए ही बोला जाता है कि 3 महीना पहले इसको बैक टेस्ट करिए, बोले तो पेपर ट्रेडिंग करिए। पेपर ट्रेडिंग करने से क्या होगा, आपका माइंड जो है वो इसको विश्वास करेगा, विश्वास जब करेगा तो आराम से आप देखिएगा कि हर एक ट्रेड जो है आपको बहुत आसानी से मिलेगा। सिर्फ धैर्य और शांति। अगर आपका मार्केट में बहुत सारा ट्रेडर हम देखे हैं क्या करता है कि मार्केट में पैसा तो लेके आता है, मतलब पैसा लेके आया अपना अकाउंट में पैसा लेके आया तो पैसा क्या करेगा, वो उसको डेली ट्रेड लेना है ना, उसको डेली ट्रेड लेना है और यही गलत डिसीजन का वजह से मतलब वो अपना साइकोलॉजी अपना माइंड चीज से ठीक से सेट नहीं कर पाता है। इसीलिए क्या होता है कि बार बार वो जब भी अकाउंट में पैसा चलाता ना उसका मन मतलब बेचैन हो जाता है ट्रेड करने के लिए, इसीलिए तब क्या करता है हड़बड़ी में गलत ट्रेड लेता है, गलत ट्रेड की वजह से वो लॉस कर बैठता है ना। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, पहले क्या करें, पहले LTP कैलकुलेटर को बढ़िया से जाने, बढ़िया से सीखे। इसका बहुत सारा थ्योरी है, आप लोग को तब बताए भी किए हैं आगे भी किसका बहुत सारा थ्योरी है। आपका माइंड सेट होने में थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा, इसमें बहुत सारा थ्योरी है। और आप लोग को सभी को PDF मिल गया होगा, हम जानते हैं कि PDF आप लोग को सबको दे दिए हैं, मेरा नंबर भी दिया हुआ है,
प्लीज़ कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप में मैसेज करिएगा। कॉल करने का होगा तो हम आप लोग को मैसेज कर दीजिएगा, आप फ्री रहेंगे तो उस टाइम बोलेंगे आप लोग कॉल करेंगे। तो ये एक थ्योरी नहीं है, बहुत सारा थ्योरी है दोस्तों। आप लोग अगर इसको बेहतरीन से सीख जाते हैं, बेहतरीन से अगर आप लोग माइंड में हर एक चीज़ बैठा लेते हैं दोस्तों, तो क्या होगा, आप लोगों को कहीं भी लॉस नहीं होगा। ये मेरा गारंटी है कि कभी भी ये आपका लॉस नहीं होगा। ये बहुत सारा थ्योरी है दोस्तों, एक नहीं बहुत सारा थ्योरी है जो दोस्तों आप लोग को हर एक चीज़ यही चैनल में मिलता रहेगा। देखिए मेरा मोटिव एक ही है, जो आप लोग हम जैसे ट्रेडिंग में लॉस किए हैं, जैसा आप और किसी का लॉस ना हो। बहुत कष्ट करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर और बहुत सारा ट्रेडर है जो सीखना चाहता है मार्केट में आके, तो वो आराम से सीख सकता है LTP कैलकुलेटर को। और बहुत ही आसान सा, बहुत ही बढ़िया सा एक LTP कैलकुलेटर टूल्स है, इंटरडे ट्रेडर के लिए बहुत ही बढ़िया टूल है दोस्तों। अगर आप लोग इसको यूज करते हैं तो आप लोग जानते हैं, जो यूज करता है वो बढ़िया से जानता है। और आप लोग अगर नया है, सीखना चाहते हैं, तो आप लोग मतलब आग मूंद के सीखिए। ये कोई फार्मूला नहीं है, ये कोई बनाया हुआ चीज़ नहीं है। सर जी इसको सिर्फ मॉडिफाई किया है, मॉडिफाई करके वो इसमें 7 से 8 साल बिता के जितना थ्योरी है बनाया है, तब जाके हम लोग को आज इतना आसानी से मालूम चल सक रहा है हर एक चीज़, है ना। सो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से एक लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक तो बनता है, क्योंकि लाइक में कोई स्टॉप लॉस नहीं लगता है। और आप लोग अगर नया आए होंगे मेरा चैनल में, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल को। LTP कैलकुलेटर के लेके अगर आपका मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या जानना है, क्या सीखना है, या आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है, क्या डर लग रहा है। अगर जो भी असुविधा होता है दोस्तों मार्केट में आपको, आप व्हाट्सअप में मुझे मैसेज किया करिए। मेरा कोई पेड उड नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है। कॉल करके हमसे बात करिए, आपको जो सीखने का मन है, जहां आपका माइंड सेट नहीं हो रहा है, कहां दिक्कत हो रहा है, आप हमसे खोल के बात करिए दोस्तों। हम है आप लोग के लिए। बस सिर्फ मेरा थोड़ा हम काम में रहते हैं, इसीलिए हरदम तो बात नहीं कर पाते हैं। तभी भी आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, मुझे समय मिलेगा तो मैं आप लोग को कॉल कर लूँगा, है ना। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी के साथ मुलाकात होगा। और दोस्तों एक बात और बोलते हैं कि अगर आप लोग ट्रेडर बनना चाहते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए। एक माइंड सेट होने में LTP में थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए दोस्तों, बस और कुछ नहीं, है ना। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी के साथ मुलाकात होगा। धन्यवाद। जय हिंद।